हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास 4, चैप्टर नंबर 28। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेस्टर्स एंड ग्रीटिंग्स। ओके, यहाँ पे कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, मतलब दिखाए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये सिंबल दिखाते ही क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज ये, जैसे देखिए हाथ को बनाया हुआ है और ये वी शेप में दो उंगलियां निकालता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विक्ट्री साइन, वी। दिस इज विक्ट्री साइन। इट वॉज मेड फेमस बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टोन चर्चिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये साइन किस चीज़ का है? विक्ट्री साइन है, जिसको ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आजकल जब भी मतलब सेल्फी वगैरह लेते हैं तो इस चीज़ को, इस सिंबल को दिखाते हैं। लोग जानते नहीं हैं, बस दिखा देते हैं तो वो थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये विक्ट्री साइन है। ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टोन चर्चिल ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इस साइन को क्या किया था? फेमस किया था, और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा, इस समय तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया है। ठीक है, सेकेंड है, ये क्या लिखा है? इसका मतलब, ये देखिए फिगर में ये दिख रहा है, आपके स्कूल में बहुत ये दिखाया जाता है। आपको इसलिए बताया गया जाता है कि आप शांत रहिए। ये सिंबल दिखाते ही बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ये क्या बताता है? पुटिंग एंड प्रेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप मीन्स कीप क्वाइट। ये तरीका है जिससे कि आपको क्या करना है, अपने फिंगर को अपने लिप पे प्रेस करना है, और इसका मतलब होता है कि आप शांत हो जाएं। ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है जो कि सभी समझ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखिए थम्स अप। थम्स अप करने का क्या मतलब है? इट इज़ अ फ्रेंडली गेस्टर। ये एक फ्रेंडली गेस्टर है। Raising the thumb is a sign of approval. It show that all this going well and there is nothing to worry about. इसका मतलब है thumb को ऊपर करना, मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हैंडशेक। हैंडशेक करने का क्या मतलब है? इट इज़ अ फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग वर्ल्ड वाइड। पीपल ग्रीट एंड शेक हैंड एंड अटर प्लीजेंट एंड फ्रेंडली वर्ड्स। ये क्या होता है? यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए हाथ मिलाते हैं, और एक तरीके से ये फ्रेंडली वर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है Demorize greet each other by rubbing nose. It is usually done by ceremonial occasions. ठीक है, ये rubbing nose है। ये किस तरीके से दिखाता है कि मतलब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक तरीके से ये भी एक साइन दिखाते हैं। फिर उसके बाद waving of hand and arms means a friendly hello or goodbye. इट इज़ अ यूनिवर्सली अंडरस्टेबल ग्रीटिंग। ये क्या है कि वेविंग, अपने हाथ को हिलाना हवा में, ये क्या है? अपने फ्रेंड को हेलो बोलना या फिर गुड बाय बोलना, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है जो कि बड़ा अंडरस्टेबल है, मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप जानते भी हैं और जानना भी चाहिए। So in this way your chapter is completed. Thank you so much.